दोस्तों, अगर आप भी अपने फोन के अंदर BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे बड़े बड़े गेम खेलते हैं और गेम खेलने के वक्त आपके फोन का पिंग हाई हो जाता है, ग्राफिक बहुत लो आता है, बहुत ज्यादा गेम लैग करता है या फिर FPS बहुत ही लो क्वालिटी का आता है और आप इस वजह से बहुत परेशान है कि भाई जो मेरे फोन में गेम चलता है ना इतना गंदा चलता है कि मैं क्या ही बोलूं, या फिर आपके फोन में रैम कम है इस वजह से आप अपने फोन में नहीं गेम खेल पा रहे हैं, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आपके फोन के अंदर ही कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप अपने फोन में बड़े से बड़ा गेम खेल सकते हैं और कहीं भी ना उसका ग्राफिक लो होगा, ना ही पिंग हाई होगा और जो FPS होगा ना 90 FPS इनेबल हो जाएगा और आप अपने फोन में कोई भी गेम के लिए जरा सा भी लैग नहीं करेगा। सिर्फ आपको अपने फोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा जो कि हिडन सेटिंग्स होता है और आपको उसे खुद से इनेबल करना पड़ेगा। तो सेटिंग्स कौन सा, उसे कैसे यूज करना है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के अंदर 90 FPS को इनेबल कर सकते हैं ताकि आप अपने फोन में कोई भी गेम खेले तो ना ही उसका पिंग हाई हो, ना ही उसका ग्राफिक लो आए और ना ही वो कभी लैग करे। आपका कोई भी फोन हो, कितना भी सस्ता फोन हो, ये सभी फोन के अंदर काम करेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ 10 या 12 MB का है, आपके फोन में ज्यादा स्टोरेज भी कवर नहीं करेगा। तो डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो सेटिंग्स कैसे करना है थोड़ा ध्यान रखिएगा और ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेम ऐड का, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर एक प्लस का आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलते होंगे, BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर कोई भी गेम खेलते हैं तो यहां से उसे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। सर्च करने के बाद यहां पर आपको ऑन करने का एक बटन मिलेगा, डायरेक्टली आपको यहां से इसे ऑन कर देना है, ठीक है। मैं अपने फोन में BGMI खेलता हूं, डायरेक्टली यहां पर BGMI ऑन कर दिया। अगर आप अपने फोन में दूसरा कोई गेम खेलते होंगे तो आप यहां से ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। ऑन करने के बाद डायरेक्टली आपको बैक चले जाना है। यहां पर आप और भी ऐड गेम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपने फोन में 2-3 गेम खेलते होंगे तो यहां पर सारे को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अल्ट्रा बूस्ट का, यहां पर आप देख सकते हैं। डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, अल्ट्रा बूस्ट पर, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको एक एक्टिवेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसे एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट कैसे करना है थोड़ा ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहां पर आपको 30 सेकंड का एक ऐड देखना है, क्योंकि ये फ्री एप्लीकेशन है तो यहां पर कुछ ऐड भी आएंगे, डायरेक्टली आपको एक ऐड यहां पर देखना है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक ऐड देखा तो यहां पर ये एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद डायरेक्टली आपको बैक चले आना है। बैक आने के बाद अब यहां पर आपको करना क्या है थोड़ा ध्यान दिखेगा, आपको अपने फोन के अंदर 90 FPS को इनेबल करना है, अल्ट्रा HD ग्राफिक करना है। तो ये कैसे होगा थोड़ा ध्यान दिखेगा, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा GPX टूल का, यहां पर देख सकते हैं। डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद सबसे पहले आपको रेजुलेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहां पर आपको हाई रेजुलेशन कर देना है, ठीक है। हाई करने के बाद डायरेक्टली आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहां पर आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, FPS का और ग्राफिक का। तो जितना आप अपने फोन के अंदर FPS रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं। तो मैं अपने फोन के अंदर 90 FPS को इनेबल करना चाहता हूं, तो डायरेक्टली यहां पर 90 FPS पर सेट कर देता हूं। उसके बाद यहां पर आपको ग्राफिक कौन सा चाहिए, स्मूथ, बैलेंस, HD या फिर अल्ट्रा HD। तो मैं अपने फोन के अंदर अल्ट्रा HD इनेबल करता हूं, तो डायरेक्टली यहां पर डायरेक्टली सबसे लास्ट में आपको अल्ट्रा HD का ऑप्शन मिलेगा, तो यहां पर आपको सेट कर देना है, ठीक है। सेट करने के बाद यहां पर आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पर टैप करना है। टैप करने के बाद ये ऑप्टिमाइजिंग स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं रेडी का साइन आ चुका है, यानी कि मेरे फोन में ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपने फोन के अंदर 90 FPS इनेबल कर और अल्ट्रा HD ग्राफिक में अपने फोन के अंदर कोई भी गेम खेल सकता हूं। उसके बाद अब यहां पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली यहां पर सारा सेटिंग हो गया है। अब यहां पर आपको एल एनालाइज का ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर में, आपको इस पर टैप करना है और यहां पर आपको ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि एनालाइज करना है, जिससे कि आपके फोन में कोई भी गेम में प्रॉब्लम होगा तो यहां पर वो फिक्स आउट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एप्लीकेशन के अंदर आपको कुछ ऐड भी देखने को मिलेंगे, तो ऐड को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जितने भी मैंने सेटिंग्स बताए हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, वो सारे सेटिंग्स को आपको अपने फोन के अंदर इनेबल करना है, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको इस एप्लीकेशन से बाहर चले जाना है, आपको अपने फोन के होम स्क्रीन पे आ जाना है, ठीक है।
उसके बाद आपको अपने फोन के मेन सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपको सिस्टम के अंदर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है डेवलपर ऑप्शन। ये हमारे फोन के अंदर हिडन सेटिंग्स होता है, ये आपको देखने को मिलेगा कैसे, तो आपको अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर जाना है, अबाउट फोन के अंदर जाना है और बिल्ड नंबर पर 7 बार टाइप करना है। उसके बाद आपके फोन में ये डेवलपर ऑप्शन का नया सेटिंग्स आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा ऑन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है, थोड़ा और नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स 4X MSAA। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे फोन के अंदर बंद रहता है, लेकिन ये आपके फोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में अगर आपके फोन में रैम कम है और इस वजह से आप अपने फोन में कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, फोन बहुत ज्यादा लैग करता है, हैंग करता है, तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग्स को अपने फोन के अंदर ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपके फोन में वर्चुअल रैम क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलिए, कितना ही बड़ा एप्लीकेशन रखिए, आपका फोन कभी भी ना लैग करेगा और ना ही कभी हैंग करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। जिसके फोन में स्टोरेज और रैम कम है ना, वो डायरेक्टली आप अपने फोन के अंदर इस सेटिंग्स को जरूर ऑन कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपने फोन में कोई भी गेम खेल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब थर्ड सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए को करना क्या हुआ, डायरेक्टली आप यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये क्या होता है कि हमारे फोन के अंदर स्टैंडर्ड लिमिट पे होता है, इससे आपके फोन का जो बैटरी है ना बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है। लेकिन अगर आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलते हैं और बहुत ज्यादा पिंग हाई होता है, लैग होता है, तो उस समय भी आपके फोन में ये सेटिंग्स बहुत ज्यादा काम करेगा। वो कैसे काम करेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप इस पर टैप करते हैं तो ये क्या होता है कि स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट होता है, जिससे कि आपके फोन में जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है वो सारा बैकग्राउंड में रन करता है। उससे आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलें, कितना भी छोटा से छोटा एप्लीकेशन रखे ना, फिर भी आपके फोन में वो फंस कर चलेगा, सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे फोन के अंदर जितने भी बैकग्राउंड में रनिंग होते हैं ना उतना हमारा फोन स्लो काम करता है, क्योंकि जो हमारे फोन का सीपीयू होता है उस पर ज्यादा लोड पड़ता है और हमारा फोन बहुत ही स्लो काम करता है, उससे हम अपने फोन में कोई भी गेम सही से नहीं खेल पाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको एट मोस्ट वन प्रोसेस इस पर आपको सेट करना है, ठीक है। इसके बाद आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलेगा तो जितना भी फोकस है फोन का डायरेक्टली उस गेम के अंदर जाएगा, और आप अपने फोन में कोई भी गेम खेल रहे हो उसका पिंग कभी भी हाई नहीं होगा और ना ही कभी लैग करेगा। तो इस सेटिंग्स को आपको अपने फोन के अंदर जरूर करना है, ठीक है। और ये सारा सेटिंग्स करने के बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको उस एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है, ठीक है। और जो भी आप अपने फोन में गेम को ऐड किए हैं डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा यहाँ पर ऑप्टिमाइजिंग होना स्टार्ट हो गया है, बूस्ट बैकग्राउंड इंडिया एंड मैक परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपके फोन में जो BGMI कितना ज्यादा फास्ट चलेगा। आप अपने फोन में कोई भी गेम खेल रहे हो तो इस सेटिंग्स को अपने फोन में जरूर इनेबल कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कोई भी गेम खेलिए, आपके फोन में कभी भी ना पिंग आई होगा और जो ग्राफिक है बिल्कुल अल्ट्रा HD ग्राफिक आएगा और 90 FPS किसी भी फोन के अंदर इनेबल हो जाएगा। तो इस सेटिंग्स को आपको अपने फोन के अंदर करना है, ठीक है। सारा सेटिंग्स कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद देख सकते हैं रेडी का ऑप्शन आ गया है, BGMI रेडी, यानी कि आप अपने फोन में अब BGMI को खेल सकते हैं। आपके फोन में जो BGMI है बिल्कुल मक्खन जैसा चलेगा। तो ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा कहां, तो डायरेक्टली आपको अपने फोन के प्ले स्टोर के अंदर आना है और गूगल प्ले पे यहां पर आपको सर्च करना है गेमिंग टूल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपको इसके अंदर जाना है और सबसे ऊपर वाला जो एप्लीकेशन है गेमिंग बूस्टर का, डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन के अंदर डाउनलोड करना है। इसका रेटिंग की बात करो देख सकते हैं 4.3 का रेटिंग है। डाउनलोडिंग की बात करें तो 10+ मिलियन डाउनलोडिंग है, 10 मिलियन+, यानी कि आप समझ सकते हैं इस एप्लीकेशन को कितने लोग यूज कर रहे हैं। तो ये सारा सेटिंग्स आप अपने फोन में इनेबल कर लीजिए, उसके बाद अपने फोन में आप कोई भी गेम खेलिए, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।